लोग निकल चुके हैं छठ के मेले के लिए, क्योंकि ये लखनऊ का बहुत ही पुराना मेला है और इस बार थोड़ा लेट भी लगा है। तो हम और बेटा दोनों लोग करीब 4 बज रहे हैं और शाम के समय काफ़ी अच्छा लगता है मेला, तो हम लोग चल रहे हैं मेले की ओर। जहाँ कत्ती का मेला लगा हुआ है, पहले ये थोड़ी दूर पे लगता था, ये 2-3 साल से ऐसे ही है, मगर इस बार यहाँ पे ये गोमती की नदी किनारे लगा हुआ है। और देखिए इसमें शाम का समय है और काफ़ी भीड़ भी हो गई है। और जैसे ये कत्ती का मेला लगा हुआ है तो किनारे किनारे देखिए तो छोटे छोटे दुकानदारों ने इस तरह दुकानें लगा रखी है। सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए जो है खेल खिलौने हैं और भी बहुत कुछ है जो भी चलते अंदर आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी हम पार्क करेंगे तो देखिए आप लिखावट डाली इनका ऐतिहासिक कत्की यानी बुड़क्की का मेला, तो ये मेला काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे देखिए इस तरह के खाने पीने के आइटम लगे हुए हैं और मेले में ये सब चीज़ें ना हो तो सब बेकार है, क्योंकि तो बच्चों को बड़ों को सभी को इस तरह का खाने पीने की चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं। और देखिए यहाँ पे ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं और सामने ही यहाँ पे सिंगाड़े के ठेले लगे हुए, जो गर्मा गर्म जो है बूंदी यानी सिंगाड़े की बूंदी है वो बेची जा रही है। और शाम का समय और सामने ही दो की छतर मंजिल है और गोमती नदी का किनारा है, तो यहाँ आपको बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। और देखिए इसमें बोटिंग हो रही है, लोग आनंद ले रहे हैं इस बोटिंग का। और सामने सूरज की रोशनी जो पड़ रही है पानी पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और सामने काफ़ी पुरानी इमारत है हमारे लखनऊ की जिसको छत्र मंजिल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कहते हैं कि जो छत्र जो दिखाई दे रहा सामने ये सोने की है, मगर अब पता नहीं कि सोने की है कि पीतल की है, मगर हाँ हमने बचपन से सुनते आए हैं कि ये छत्र मंजिल जो ऊपर जो छत्र लगी हुई ये सोने की है। और यहाँ पे कई फिल्मों की बहुत ही शूटिंग भी हो चुकी है। और सामने है क्लार्क अवध जो लखनऊ का बहुत ही पुराना होटल है क्लार्क अवध। तो यहीं पे मूर्ति विसर्जन वगैरह जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का और गणेश महोत्सव में जो होता है तो गणेश जी का यहीं पर विसर्जन किया जाता है। और सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शहीद स्मारक। तो इस समय गोमती नदी में काफी पानी आया हुआ है। तो हम लोग अब अंदर इंटर कर चुके हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। अभी कुछ दुकानें भी लग भी रही हैं अमेरिकन बुक्का स्वीट कॉर्न, ये जो स्वीट कॉर्न था
टोटल यहाँ पे क्रॉकरी के सामान हैं, जैसे कप प्लेट है और हर तरह के जो रसोई में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है। और देखिए हम लोग को मेला घूमते घूमते काफ़ी देर भी हो गई और शाम भी हो गई। देखिए लाइट वगैरह जल चुकी हैं और शाम होते ही रौनक ज़्यादा बढ़ गई है और खाने पीने के स्टॉल पे सब जगह पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो मेले वगैरह में बच्चे और बड़े सभी लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि बच्चे तो घूमना पसंद करते ही हैं और बड़े भी। तो देखिए झूले में भी काफ़ी भीड़ है और खाने पीने की जगह पे तो भीड़ है ही है। और थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकलेंगे घर को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम लोग को मेले में घूमते हुए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और बच्चे देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं।